दोस्तों इस वीडियो में दो सबसे बड़ी सूचनाएं हैं। जी हाँ, सबसे पहले 1,50,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती 2022 में होने जा रही है। वहीं पर 30 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के नए निर्देश आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमनीश कुमार अवस्थी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आज की तारीख में यानी कि 22 जनवरी 2022 को यहाँ पर नए निर्देश जारी किए गए। और ये निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए। और साथ में यहाँ पर बता दिया गया है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं अब वो सभी 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। इन सभी की ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी। तो जो भी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग संस्थान हैं, सभी अब 30 जनवरी 2022 तक कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दिए गए हैं। और अगली और सबसे बड़ी अपडेट है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में छात्रों के आवागमन के लिए बसों और ट्रेनों में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। यानी कि आपको परीक्षा देने जाने के लिए किसी भी किराए को देना नहीं पड़ेगा। साथ में उन्होंने बताया है कि हर एक परीक्षा का जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। परीक्षा कब होगी, उसका इंटरव्यू कब होगा, उसका परिणाम कब आएगा, उसकी नियुक्ति कब होगी, वो सभी तारीखें उसमें अंकित की जाएंगी। साथ में उन्होंने बताया है कि जो भी भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे हर हाल में उनको 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सरकार बनते ही 1,50,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो दो बड़ी सूचनाएं थी। ऐसी लेटेस्ट सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।